हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान लेजेंड वाइटी। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस सीन ये था कि बहुत सारे बंदे मेरे स्ट्रीम पर आते हैं और बोलते हैं भाई आपका डिवाइस कौन सा अच्छा डिवाइस है, तो उसमें 90 FPS आता है, 60 FPS आता है। तो गाइस मैं आपके लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन लाया हूँ, ठीक है, कि आप एक छोटा सा कॉन्फिग मीडिया फायर का, जो आपका मतलब अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई GFX टूल के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ईजीली उसको कैसे आपको करना है पूरा प्रोसेस बताऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप है वीडियो, इसकी मत करना आप, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप आपके पास अच्छा वाला फाइल मैनेजर है तो ठीक है, नहीं तो आप ZRC वाली, ये वाली जो फाइल देख रही है ये वाली, तो इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दो लिंक दूंगा, इसका भी दे दूंगा ZRC का, एंड एक और लिंक दे दूंगा वो जो कॉन्फिग फाइल की होगी, दोनों को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। गाइस स्टेप वन कंप्लीट होने के बाद, मतलब आप जब डाउनलोड कर लेते हो ZRC, ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिला है कॉन्फिग 90 FPS वाला फाइल, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली दोनों चीज़ डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ZRC में जाना है, एंड आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, ये वाले आपके फ़ोन में डाउनलोड का जो फोल्डर आएगा उस पर क्लिक करना, और ऊपर ही आपको इसमें आ जाएगा 90 FPS कॉन्फिग ऑल वर्जन, ठीक है। तो ये आपको कोरियन में, ग्लोबल में, पबजी मोबाइल के जितने भी वर्जन हैं सब में वर्क करेगा, ठीक है। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ये कमेंट ज़रूर करना अपने भाई के लिए, ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो आपको सिंपली यहाँ करना है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर एक फाइल बन के आ जाएगी ऊपर में, ठीक है, ऊपर में आ जाएगी फाइल बन के कॉन्फिग ऐसा करके, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल से करना ये है, यहाँ से मूव कर मतलब कट कर लेना, ठीक है। चलो सिंपली मैं कट कर लेता हूँ, कट करके बैक आना, उसके बाद एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाना, डेटा में जाना, उसके बाद com.tencent.ic इस पर क्लिक करना, उसके बाद आप फाइल में जाना, ठीक है, UE4 गेम में जाना, ठीक है, शैडो ट्रैकर में जाना, फिर से शैडो ट्रैकर में जाना और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है गाइस। बस इतना ही करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप उस पॉज कर करके देख लो आराम से, एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो अभी कहीं जाना मत, रुको ज़रा सब्र करो, एंड ये करने के बाद आपको करना है अपना पबजी मोबाइल ओपन। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं गेम ओपन करके, ठीक है। तो पबजी मोबाइल आपको ओपन करना है सिंपली, ओपन करने के बाद फिर चेक करेंगे, आप भी चेक कर लेना कि आपका जो 90 FPS वाला ऑप्शन है वो ऑन हो गया है ना, ठीक है गाइस। तो गाइस पबजी मोबाइल हो गया है ऑन, और हम चलते हैं डायरेक्ट सेटिंग में और ग्राफिक्स में। तो आप देख सकते हो गाइस 90 FPS आ चुका है, मेरे में आपको पता था एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम स्मूथ सपोर्ट करता था, बट अभी 90 FPS भी आ चुका है। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एक बार लाइक बटन दबाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस और भी बनाते हैं। अब गाइस मैं रोज पर डे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो लाइव स्ट्रीम पे जरूर आना, ठीक है।